बता। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निगम भानु प्रताप पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब भी यहाँ ठीक है ना। आप सब आप भी अच्छे ही होंगे। तो ये जो व्लॉग है आगे वो होली का व्लॉग है ना, धुलंडी का व्लॉग है। मतलब होली के एक या दो दिन बाद के अंदर, दो दिन बाद में मेरे मतलब नानी सासू जी जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, भानु बनाए गए नानी सा के जो एक्सपायर हो गए थे वो। तो उस चक्कर में हमने कुछ दिन व्लॉग्स नहीं अपलोड किए थे। तो अब जो है हमारे ब्लॉग्स रेगुलर रहने वाले हैं, तो आप हमारे ब्लॉग्स को उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और धुलंडी के ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, कम अगेन टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल नीलम भानु प्रताप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो कल आपने देखा था होलिका दहन वगैरह कर कर आ चुके थे हम, खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। और तो आज आपको मिलाते हैं बाबू साहब से। बाबू साहब हैप्पी होली, हैप्पी होली, हाँ होली की राम राम, होली को राम राम, होली को राम राम। शार भगवान जनवान पुत्रवान भड़ो को लोको। हाँ बाबू साहब, और क्या तबीयत ठीक है? कहीं और बिगड़े तबीयत को। अभी सुबह जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश हो रखी है और अभी वैसे 8 बजे और मैं नहा भी लिया आज, देख लीजिए होली के दिन। तो काम तो किया ही है ना मैंने। सीनू देखो अंदर बैठा है, इसको देखो अंदर। नानी वाला आदमी बस 6 बजे उठ के भी नहा सकता है। नानी में मैं 7:30 बजे नहा लिया था। जो फिर क्या किया? सुबह सुबह मम्मी जा रहे हैं अजमेर, तो फास्ट काम के लिए हमने सोचा है फास्ट नाश्ता कर लेते हैं, इसलिए हमने कचौरी मिर्ची बड़े मंगाए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो हेलो एवरीवन, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब धुलंडी है और देखा था कि सुबह से काम हो रहा था और मैं भी नहा के फ्री हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहा ली थी और काम भी हो चुका है, बस अब रोटी रोटी बनानी है। और बच्चे आए थे तो उन्होंने कलर लगा ही दिया, तो हमारी होली की शुरुआत तो हो चुकी है अभी। और अभी देखते आएंगे क्या क्या होता है, सर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या कर रहे हो आप? इसको लाइक कर रहे हो? किसकी मम्मा को? देखिए मैं जुगाड़ बना रहा हूँ। रिफूटेन तो देने के बाद में नहीं लग रहा है, कलर अलग कलर अच्छे फिल्मों वाला कलर लगाया है आपने, अच्छे अच्छे कलर लगाए हैं आपके। वाओ, यू आर सो लकी। हम लाए नहीं। हाँ नहीं फोड़ूंगा, नहीं फोड़ूंगा। तो बस अभी ये जो गुब्बारे वगैरह पैक हो रहे थे वो मेरे भैया के लिए हो रहे थे। आज सुबह से ही इनका प्लान था कि भैया को जो है भैया के साथ होली खेलेंगे। तो अभी देखें चलते हैं वहाँ पे क्या होता है। एक बार कलर साफ करके आटा लगा दिया था, अब कुछ नहीं करना है, बस होली खेल के रोटी बनानी है। होली खेलते ज़्यादा तो काम की टेंशन होती है। दोनों दोनों ही मत डालो एक दूसरे को। हेलो, हेलो, ओहो बिट्टू भैया। यहाँ पे हमने ले लिए हैं कलर और अब चलते हैं हम घर। ओए मेरा है। अरे आओ, मेरे पास आओ।
तो यहाँ से बस हमारी होली खेलने की शुरुआत हो चुकी थी। मम्मी मतलब अंदर से शूट कर रहे थे क्योंकि बाहर ज़्यादा पानी इधर उधर हो रहा था, तो एकदम प्रॉपर शूट नहीं हो पाया था। तो जो भी है वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो यहाँ भैया के स्कूल फ्रेंड्स जो है वो होली खेलने आए थे और उनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी होली खेली हमने उनके साथ।
बस वो सभी लोग जो अभी होली खेल के जा रहे थे, तो बस सब उन्हें बाय बाय कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया होली के अंदर इनके साथ। और अभी हम जो है खोल के वापस आ रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी साफ सफाई में लग गए हमारे सारे। हम जाएंगे, हम भी नहाए। ओके बाय। नहीं अब हम आ चुके हैं घर और अब नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। कलर पूरा उतारते हैं एकदम मस्त, कलर तो शानदार हो गया वैसा, तो काफ़ी एंजॉय किया आज। और अब मिलते हैं नहाने के बाद। तो अभी हम नहा लिए और कलर जिसमें तुम लोग गुलाल के होली खेली थी, तो भी कलर नहीं निकला है बिल्कुल भी। मैट कर इनके तो फिर भी है, मेरी हालत और ज्यादा हो रहा है। मेरी हालत देखो, एक लाल बिंदा लग रहा हूँ मैं तो। तो बस अब मैं खाने 12:30 हो गए, एक ही बजने वाले हैं। मस्टम करके गए थे, आटा वाटा तो मैं लगा के गई थी, अब मैं बस फटाफट रोटी सेक देती हूँ, फिर थक गए हैं। लेकिन काफी दिनों बाद इतनी बढ़िया होली खेली। हाँ, बहुत सालों बाद में खेली मैंने, बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर मैं जैसे ही खाना खा के जो रेस्ट करने लगी थी, बाहर से आवाज आई तो गली के अंदर सब होली खेल रहे थे, तो वो भी फिर मैं भी जो है देखने के लिए आ गई थी। मैंने उसके कुछ क्लिप्स मतलब शूट किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहा चुके थे, इनको दोबारा रख दिया गया। कपड़े फट गए और नया डिजाइन बन गया। तो ये था हमारा होली का व्लॉग। यहाँ पे कन्नू मतलब मेरे नाना जो झोले वाले नाना थे वो और उनका बेटा और रुचित भाई से आए थे, तो उनसे बातें कर रहे थे। आज का व्लॉग का एंड भी मैं ये कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टाइगर